नमस्कार फ्रेंड्स, देखिए मैं मीठी सब्जी बनाने जा रही हूँ। मैंने नींबू को पहले भिगो लिया था गर्म पानी में, फिर निचोड़ करके उसमें दही और नमक हल्दी से मिला करके रख दिया। तो जल्दी ही मैं कढ़ाई में मसाला भून रही हूँ। छोटा छोटा प्याज काट दिया था और टमाटर लहसुन का पेस्ट डाल करके एक भून दिया। इस तरीके से भून लिया। देखिए टमाटर और लहसुन ये पक गया है, देखिए तेल ऊपर आ गया। अब मैं इसमें एक चम्मच हल्दी मिला ली, एक चम्मच आधा चम्मच मिर्च, दो चम्मच धनिया इसमें डाल देंगे, डाल कर करेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी जिससे कि मेरे मसाला गले जाएंगे। इसका डाल दूंगा, नमक आप स्वाद के अनुसार डालिए। मैंने नमक से पहले ही डाल दिया था। अरे यार तो लगा है। एक चम्मच मलाई भी डालिए, मलाई डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मलाई डाल के भूनेंगे। देखिए मसाला पक गया है, तेल ऊपर आ गया है, मसाले का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें मीठी डाल देंगे। डाल के इस तरीके से जम गया। आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं। इसे खाली मीठी बनाए तो ज़्यादा अच्छी लगती है। इस तरह से मिक्स कर लिया। मैं इसे ढक दूँ थोड़ी देर पर। थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी। देखिए इस तरीके से डाल दीजिए।
अब मैं 5 मिनट पकाऊंगी ढक करके। ढक दिया, 5 मिनट बाद देखूंगी। देखिए सब्जी तैयार हो गई, बिल्कुल ग्रेवी बिल्कुल सही है। आप चाहे तो ग्रेवी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे, अब धनिया की पत्ती डाल दी, काट कर दें। देखिए सब्जी बिल्कुल एकदम तैयार हो गई। देखिए मेरी न्यूट्री की सब्जी तैयार हो गई है। देखिए कितनी देखने में अच्छी लग रही है, इतनी ही खाने में अच्छी होती है। मैं आप फिर से बता दूं, मैंने न्यूट्री को एक बाउल लिया, गर्म पानी में भिगो दिया था, उसके बाद निचोड़ करके ठंडे पानी में धुल करके फिर मैंने इसको दही और हल्दी और नमक मिला करके रख दिया था। फिर मसाले में एक टमाटर, 2 प्याज, 10-12 लहसुन की कलियाँ, अदरक, हरी मिर्च, ये सब का पेस्ट बना लिया था। और प्याज को कट करके ऐसे ही भून लिया था। फिर मैंने मसाले को भूना, भून करके न्यूट्री इसमें डाला, न्यूट्री को भूना। फिर जब न्यूट्री अच्छे से पक गई, फिर मैंने इसमें पानी पानी डाल कर इसकी ग्रेवी बनाई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। चाहे पराठा, रोटी, चावल के साथ, किसी के साथ खाइए। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। देखिए सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसमें धनिया की पत्ती इस तरीके से डाल दूँगी। न्यूट्री की सब्जी एकदम तैयार है। आप से रोटी पराठे किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी।